हेलो किड्स, वेलकम टू नटखट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, ए, एन, द। द को कभी कभी द प्रोनाउंस किया जाता है, कभी कभी दी प्रोनाउंस किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी द कब प्रोनाउंस करते हैं और दी कब प्रोनाउंस करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज़ होते हैं। सबसे पहले बात तो हमें ये याद रखनी है, आर्टिकल्स का यूज़ नाउन के पहले करते हैं। अब आपको, जैसा कि आपको पता है, ए का यूज़ कॉन्सोनेंट्स नाउन से पहले करते हैं और एन का यूज़ आपके वॉवल से जो लेटर शुरू होते हैं उनके पहले करते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और वॉवल्स ए ई आई ओ यू ये आपके वॉवल्स हैं। तो अगर आपके ए ई आई ओ यू वॉवल से स्पेलिंग शुरू होती है, आप एन का यूज़ करते हैं, और ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो कॉन्सोनेंट्स लेटर से शुरू होते हैं स्पेलिंग्स, तो आप वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ हमें और समझनी है कि हमें, जैसे हम इंग्लिश के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को ध्यान में रखते हैं तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं, सिमिलरली हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हिंदी में, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी में स्वर कौन से होते हैं। अ से अह तक, अ आ इ ई ओ ऊ ए ऐ ओ ओ अंग अह, ये आपके स्वर हैं, हिंदी वाले स्वर। और क से ज्ञ तक आपके व्यंजन हैं, क ख ग घ, ये जो सारे हैं ना ज्ञ ज्ञानी तक, ये आपके व्यंजन हैं। तो जब हम ए और एन का यूज़ करते हैं तो हमें हिंदी के भी स्वर और व्यंजन को देखना पड़ता है। हमें अपना साउंड, जो भी स्पेलिंग है उसका साउंड क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हमें ए और एन लगाना होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एप्पल। एप्पल आप देखेंगे, एप्पल जो है उसका साउंड है ए, मतलब इंग्लिश में भी वॉवल है और हिंदी में तो है ही है, ए इसका साउंड आ रहा है। तो हमें वॉवल है ना, तो हमें यहाँ पर एन लिखना है, एन एप्पल। ऑरेंज, ऑरेंज ओ ओ ओ, अ से अह तक आता है, यानी अ से अह के बीच में आता है ओ, तो ये भी एक वॉवल है, एन ऑरेंज। अनियन, अ अ अनियन, क्या साउंड आ रहा है इसका, अ, तो एन का यूज करेंगे। एलिफेंट, ई एलिफेंट, तो जो एलिफेंट है उसका भी साउंड ए आ रहा है, एलिफेंट ए, तो हमें यूज करना है यहाँ पे एन। अब हमें पढ़ना है, ये लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यू, यू जो होता है वो ए ई आई ओ यू, यानी आपका वॉवल में यू आता है। अगर आप यू को देखकर एन लगा देंगे तो हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अगर हम साउंड देखेंगे तो इसका साउंड है यूनिवर्सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी, और इसका साउंड जो है वो यू, यानी य, य जो कि एक कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, क से ज्ञ के बीच में आता है य। तो अगर हम य से इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पर अ लिखना है, मतलब आपको उसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखना है। अपने प्रोनाउंसिएशन को आप देखेंगे, साउंड को देखेंगे, तो आप ए और एन को करेक्टली लगा पाएंगे। आर, यहाँ पर एच है, एच ए ई आई ओ यू सीरीज में नहीं आता है,
एच जो है वो कॉन्सोनेंट होता है ना, कॉन्सोनेंट होता है एच, पर जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको कहेंगे आर, आर, एच साइलेंट रहता है, हम इसको बोलेंगे आर। अब आप देखेंगे आ, आ, आ जो है वो एक स्वर है, अ से अह तक आता है, अ के बीच में आता है आ। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एन, एन आर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे भी एच है, पर जो एच है ना वो कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में, पर जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे ना तो हम यहाँ एच को हटा देंगे, मतलब एच साइलेंट रहता है, हम बोलते हैं ऑनेस्ट। ओ, ओ, ओ स्वर है तो क्या आएगा, स्वर के साथ क्या लगाते हैं, एन, एन ऑनेस्ट मैन। एम बी ए, एम बी ए, एम लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट है, बट इसका जो साउंड है ना एम बी ए, ए, इसको हम लिखेंगे ए, और ए जो है वो स्वर है तो स्वर के साथ तो एन आता है, एन एम बी ए। नेक्स्ट इज यूनिक, यूनिक, इसको कैसे बोला जा रहा है, यूनिक, इसका प्रोनाउंसिएशन यूनिक है, य से शुरू हो रहा है इसका साउंड, य व्यंजन है तो क्या लिखेंगे, अ, अ यूनिक, मतलब इसकी स्पेलिंग से हमें मतलब नहीं है, यू जो है वॉवेल तो है पर जो साउंड आ रही है ना वो य का आ रहा है, इसीलिए अ, अ यूनिक। ऑनर, एच साइलेंट है, हम इसको पढ़ते हैं ऑनर, साउंड आ रहा है ओ का, ऑनर स्वर है, एन ऑनर। कार, सी, सी कॉन्सोनेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क से हो रहा है, मतलब यहाँ भी व्यंजन है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है और हिंदी में इसको क से प्रोनाउंस किया जा रहा है, क, तो वो भी व्यंजन है तो यहाँ पर लिखेंगे अ, अ कार। एरोप्लेन, एरोप्लेन, ए, एरोप्लेन, दोनों ही वॉवेल्स हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो एन एरोप्लेन। टॉय, अ टॉय, टी कॉन्सोनेंट है, अ टॉय। ट्री, टी कॉन्सोनेंट है, अ ट्री। सो अब हम बात करते हैं द के बारे में, जैसा कि मैंने बताया टी एच ई द को द भी प्रोनाउंस करते हैं और दी भी प्रोनाउंस किया जाता है। अब कहाँ पे द और कहाँ पे दी प्रोनाउंस करते हैं, तो जैसे आपको पता है कॉन्सोनेंट से पहले अ का यूज़ करते हैं, वॉवेल से पहले एन का यूज़ करते हैं, वैसे ही आपका जो वॉवेल है, वॉवेल होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है दी, दी एलिफेंट, और कॉन्सोनेंट होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है द, द बिग एलिफेंट। ई वॉवेल है तो इसका साउंड क्या होगा, दी, दी एलिफेंट। बी कॉन्सोनेंट है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा द, द बिग एलिफेंट। ऑरेंज तो बोलेंगे दी ऑरेंज। बिग ऑरेंज, इसका साउंड होगा द बिग ऑरेंज। सो आपको समझ में आया
दी जब वॉवल होता है, साउंड वॉवल की आती है, तो टी एच ई दी प्रोनाउंस किया जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, तो उसको टी एच ई को दो प्रोनाउंस किया जाएगा। अब आपने लिखा हुआ देखा होगा मूवीज में दी एंड, अब यहां पर हमें दी प्रोनाउंस करना है, दी एंड, क्योंकि ई वॉवल है और वॉवल के साथ दी को प्रोनाउंस किया जाएगा। सो आपको समझ में आया ए एन और द का यूज कहां पे करते हैं। ए और एन सिंगुलर चीज के लिए, यानी कि ए और एन जो है वो एक एक वचन के लिए यूज होगा, यानी एन एप्पल एक एप्पल, एन ऑरेंज एक ऑरेंज, है ना। और द का यूज तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं। द का यूज पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन के लिए करते हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो द का यूज किसी भी खास चीज के लिए करते हैं, खास चीज या खास वस्तु, खास व्यक्ति, तो वहां पर आप द का यूज करेंगे। ए एन इज यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। ए और एन का यूज नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं, मतलब आम चीजों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए करते हैं। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और द डेफिनेट आर्टिकल है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। आदमी एक आम है, कोई भी आदमी को देखा मैंने, किसी भी आदमी को देखा। अब मैं यहाँ पर उसको स्पेसिफाई कर रही हूँ, द मैन वॉज स्माइलिंग, वह आदमी मुस्कुरा रहा था। मैंने आदमी के बारे में बात कर ली है, पहले मैंने आपको उस आदमी के बारे में बताया, तो वो आम था, तो मैंने वहाँ ए का यूज किया, पर अब वही आदमी के बारे में मैं दोबारा बात कर रही हूँ, तो वहां पे आप द का यूज करेंगे, द मैन वॉज स्माइलिंग। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, मैंने कोई सा भी सेब खाया, वह एक आम सेब था। अब मैं क्या बोल रही हूँ, द एप्पल आई एट वॉज साउर, जो एप्पल मैंने खाया था वह खट्टा था। पहले मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक सेब खाया, पर अब मैं उस पर्टिकुलर सेब के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो वहां पर स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं उस एप्पल को, तो इसीलिए मैं वहां पे द का यूज करूंगी, द एप्पल आई एट वॉज साउर। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, मुझे एक फोन खरीदना है। अब मुझे कोई सा भी फोन खरीदना है, मैंने नाम नहीं लिया है, तो कोई सा भी फोन मैं ले सकती हूँ, तो आम फोन हो सकता है वो कोई भी। पर अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रही हूँ, आई वॉन्ट टू बाय द न्यू आईफोन, मुझे न्यू आईफोन खरीदना है, मतलब मैंने फोन का नेम बताया है आपको, मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पे मैंने द का यूज किया। तो जब आम चीज या आम व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे, पर जब हम उसको खास बना देते हैं, तो खास के लिए द का यूज करते हैं। अब जैसे कंट्री, अब कंट्री में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किसी कंट्री के आगे तो द का यूज करते हैं और किसी के आगे द नहीं लगता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीज के नेम मेंशन किए हैं जहाँ पे द लगता है, और उसका रीजन मैं बताऊंगी कि यहाँ द क्यों लगता है। द यूएसए, द यूके, द यूएई, तो ये एक परसेप्शन है, द का यूज यहाँ पर इसीलिए किया गया है क्योंकि ये देश कुछ देशों से, मतलब कुछ चार पांच छः सात कुछ देशों से मिलकर बना है, कुछ देशों से मिलकर एक देश बना है, तो इसीलिए इसको द यूएसए बोलेंगे, द यूके बोलेंगे, द यूएई बोलेंगे। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें द नहीं लगता है, जैसे स्पेन, इंडिया, तो ये एक इंडिविजुअल कंट्री है, ये एक अपनी खुद की एक कंट्री है, तो ये मतलब मिलकर नहीं बनी है किसी भी देश से, ये अपनी अलग खुद की एक कंट्री है। स्पेन,
इंडिया। आपने कभी द स्पेन नहीं सुना होगा, द इंडिया नहीं सुना होगा, मतलब सिर्फ इंडिया। स्पेन और भी ऐसे कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, जापान और भी कुछ, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, तो यहाँ द नहीं लगता है। अब बात करते हैं वन एंड ओनली थिंग्स की, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, जैसे द मून, तो सिर्फ एक ही है ना, कोई दूसरा मून तो नहीं है, वहां पे हम द का यूज करेंगे। द मून, द सन, द अर्थ, द मार्स, ये प्लैनेट का नेम है, तो कोई भी प्लैनेट सिंगल ही होता है, द मार्स, द वीनस, द जुपिटर, ओके। अब हम बात करेंगे स्पेशल पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो हम बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होते हैं, द प्रेसिडेंट, किसी भी देश के राष्ट्रपति एक ही होते हैं, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर। तो द का यूज आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि द का यूज जब किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग को स्पेसिफाई किया जाता है तो वहाँ पे द का यूज करते हैं, और जब वो आम होती है चीज़ तो वहाँ पे ए और एन का यूज करते हैं।